पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सकट चारों वेद हैं, ये सकट द्वादश पंथ, ये 12 पंथ भी सकट हैं। कौन से? जैसे एक कबीर सागर में आपने देखा 12 पंथ, एक वो नारायण दास का, वो चूड़ामणि जी का पंथ, जागू पंथ, ये 12 पंथ है। ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये भी साकट हैं, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं है। ना दूसरे की माने, अपनी बात पर डिग रहते हैं जो उन्होंने लोक वेद ग्रहण कर रखा है। प्रथम तो दस नाम है, ये सन्यासी भगवान है, और दारू बकरे खाते हैं, निस्वा सर सुरापान। ये पहले ये दस सन्यासी भगवान बने फिर कहते ये भी साकट हैं, शराब नहीं है छोड़ा नहीं, मांस की इन गटाल दिन का भैरव मांगा है, भैरव का चढ़ा दे बकरार एक बोतल, वो चढ़ाने वाला चढ़ा के चला जाए, वो पाछ पकावें और खावें गुटी लावें, ऐसे कर्म अपने बिगाड़े और साथ में ये जमानों के। चार संप्रदा देख ले, ये 52 द्वारे जाए, भांग तमाकू खाते हैं, ये पत्थर कंठ लगाए। ये संतों के पंथ हैं, जो टुकड़े पानी चाहें, जिन ये पंथ चलाइया वे तो अगम अगा अथा है। गुरु गलतियों होते हैं, नानक जे हे पंथ, फिट जन नीति संत की दो साकट शिष ग्रंथ। अब गुरु गलत न्यू हो गए, जैसे नानक साहेब ने कितना पवित्र एक अलग से भगवान की विधि का मार्ग चलाया था, अब इसमें आगे चल के ये क्या करन लगे, शराब की इनका टालना, मांस की इनका कोई बाधा नहीं रही, और सभी सिख बना दिए, तो कोई शराब पियो भी सिख, मांस खाओ वो भी सिख। अरे सिख का काम शराब मांस तम्बाकू पीना होता है, जो इन वस्तुओं के निकट भी नहीं जाओ वो सिख है। तो यहाँ क्या बताते हैं, गुरु गलतियों होते हैं। अब नानक जी के पंथ में जो ऐसी बुराइयाँ पड़गी घर करगी, तो उस महापुरुष को भी इस बात की लानत लगती है कि ऐसे महापुरुष के पंथ में ऐसी 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 घर बुराई आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि साकट शेष बना शक बन गए, क्योंकि जो शराब पिए वो भी शक, मांस खाओ वो भी शक, और सारे शकुआ नहीं। ये धार्मिक व्यक्ति नहीं होते जो मांस शराब तम्बाकू का प्रयोग करें, चाहे कोई भी करता, हिंदू करो चाहे मुसलमान, सिख करो चाहे ईसाई। पंडित साकट कौन विधि इसका निर्णय दे, व तेरा में जी मत फिर है तो कंठी मत ले। पंडित साकट कौन विधि इसका निर्णय दे, सुतक संचा खाते है जिनके मुंडे खे। गाल बजाए क्या हुआ तुलसी डाल झरोर, गुल्ले भक्ति भगवंत की ये पत्थर तें सिर फोड़े। द्वादश तिलक बनाए कर ये नाचे घर घर बार, कनक दिने ऊ काडिया बस 17 दास चमार। निंदा नहीं निराठ है सतगुरु साहिदार, वचन हमारा मानियो ये चारों वेद विचार। इन चारों वेदों को पुनर्विचार करो, हमारी बात पर भी एक पुनर्विचार करो, हमारी बात को मानो, हम क्या कह रहे हैं, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं तुम इन वेदों को पुनर्विचार करो, फिर देखो तुम गलत ज्ञान ग्रहण किए हुए। राजद्वारे जाए कर ये बातें गरुड़ प्रेत, साहेब का सुमरण नहीं ये छुट्टेंगे किसेत। पारायण करते फिर ये घर 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 बार गंवार, और जीव मुक्ति क्यों होएंगे हे आप नहीं दीदार। कथनी के सूरे घने ये कथें अटंबर ज्ञान, और जम के द्वारे जावेंगे ये शब्द हमारा मान। अब ये वक्ता तो कहते हैं बिना गिनती के सूरवीर, बड़े प्रसिद्ध वक्ता, कथनी के सूरे गणे ये कथे अटंबर ज्ञान, और कहते हैं ये काल के द्वार यम के लोक में जावेंगे तुम वचन हमारा मान। कथनी के सूरे गणे ये कथे अटंबर ज्ञान, नाही परख प्रेम की सो कथनी पाहन जान।
कथनी के सूर्य घने ये गर्म कहते ज्ञान, और बाहर जवाब आवे नहीं फिर लीद करें मैदान। अब जैसे एक सर्वानंद नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान पाक रहा था, उसकी माता ब्राह्मण था वो, उसकी माताजी शारदा रानी थी, वो बहुत नेक आत्मा थी लेकिन किसी प्रारब्ध के कर्मवश वो बहुत परेशान थी, शारीरिक कष्ट था, मानसिक परेशानी रहती थी। तो परमेश्वर कबीर जी के शरण में जाते ही उसका सब कष्ट निवारण हो गया था, और उससे पहले उसने सब विद्वानों से, सब जंतर मंतर करने वाले सभी पंडितों से अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, दवाई भी ले ली थी। सब ने यह कह दिया था कि तेरे प्रारब्ध का कर्म है शारदा, तने भोगना ही पड़ेगा। श्री राम ने भोगा क्योंकि नारद ने श्राप दिया था श्री विष्णु जी को, रामचंद्र रूप में प्रकट हुए, एक जीवन पूरा दुख पाए। श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, उसका बदला भी श्री कृष्ण बनकर दिया। वो सुग्रीव वाला भाई बाली तो बना शिकारी, श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उसका उनका बदला लिया। तो इसलिए प्रारब्ध में किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद मात्र से उसका सारा रोग कट गया। फिर उसने नाम लिया, भक्ति प्रारंभ की, फिर अपने पुत्र की, उसके पुत्र को क्या अभिमान हो गया कि मैंने पूरे सभी विद्वानों को, ब्राह्मणों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में, और उसने सोचा कि मैं अपना नाम सर्वजीत रखवाऊं अपनी माता से। तो सर्वानंद ने अपनी माता शारदा जी से कहा कि माँ मेरा नाम सर्वजीत रख दो। माँ ने कहा बेटा सर्वानंद कौन सा बुरा नाम है, ये बहुत अच्छा नाम है, कारण क्या है? तो सर्वानंद ने कहा कि माताजी मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से ही विदित हो जावे कि ये है वह सर्वजीत जिसने सब विद्वानों को पराजित कर दिया। उसकी माँ बोली भाई एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर अपने पुत्र का नाम सर्वजीत रख दूंगी, यदि उस विद्वान को पराजित नहीं करेगा तो तेरी माँ तेरा नाम सर्वजीत नहीं रखे। अब वो कहने लगा माँ बताओ कौन है वो विद्वान, कि कबीर परमेश्वर। वो कहने लगा कौन कबीर, वो कबीर, वो जुलाहा कबीर। हाँ बेटा वो भगवान कबीर बोल। को कहने लगा माता वो तो अनपढ़ है शिक्षित, तो वो क्या जाने वेद शास्त्रों के बारे में, अभी गया अभी आया। अब सर्वानंद परमात्मा के पास पहुंचा, उस जुलाहा कॉलोनी में सर्वानंद गया। वो क्या करता था, एक बैल के ऊपर गधे की तरह बोरा रख के, थैला रख के, और उसमें चारों वेद 18 पुराण उपनिषद भागवत और गीता सारे रखा करता, कि कोई शास्त्रार्थ बात करे उसी समय काट के दिखा दे, देख ये लिखा इस पृष्ठ पे, उसको कंठस्थ याद थे वेद में ऐसा लिखा, वो साथ रखता था। वो पहुंचा वहां पर, कहां अब सोरठ में बताऊंगा क्योंकि समय थोड़ा रह गया। अब सर्वानंद कबीर जी की झोंपड़ी पर पहुंच गया, एक कमाली नाम की लड़की जो मुर्दा जीवित की थी, शेख तकी की लड़की थी, कब्र में दबा रखी थी, वो जीवित की थी तो परमात्मा के साथ अपनी बेटी रूप में रही थी वो, परमात्मा कबीर जी के साथ वो लड़की आगे मिली। उस लड़की से कहा कि बेटी तू पानी ला। लड़की अंदर से पानी भर के लाई एक लोटा, और कहा मेरे इस पात्र में डाल दे। सर्वानंद के पास एक लोटा था और वो लबालब भरवा लिया कति ऊपर तक, उसमें एक बूंद पानी पड़े वो भी बाहर जावे, और कहा बेटी इस जल का, इस लोटे का पानी गिरना नहीं चाहिए, और कबीर जी को दे दे, जो इसका उत्तर दे मुझे बताना। तो वो कमाली धीरे धीरे उस लोटे को, भरे हुए पानी को लेकर गई, कहने लगी पिताजी ये लो। सर्वानंद वो बाहर पंडित जी खड़ा ना, उसने ये कहा कि मेरा उत्तर लाना।
परमात्मा कबीर जी ने एक बड़ी सुई लोहे की उठा, अच्छी मोटी सुई लंबी होती थी वह 5-6 इंच की, वह उठा कर उस लोटे में गेर दी और वह सुई लोटे के तली में जाकर बैठ गई और पानी बाहर निकल गया जितनी कैपेसिटी थी सुई की। वह लड़की को कहा जा बेटी दिया, सर्वानंद ने दे दिया उसका उत्तर, पंडित जी ने दे दे। अब पंडित जी ने पूछा कि क्या उत्तर दिया मेरा कबीर जी ने, लड़की ने कहा पिताजी ने इसके अंदर एक सुई डाली है, कोई उत्तर नहीं दिया, कहा ये इसका उत्तर ही है। फिर वो अंदर आकर कहने लगा कि कबीर जी आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। परमेश्वर ने कहा प्रश्न बताओ पंडित जी। अब सर्वानंद ने कहा कि मैंने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में और मैंने अपनी माता शारदा जी से अपना नाम सर्वजीत रखवाना था, उन्होंने शर्त रख दी कि मैं आपको शास्त्रार्थ में पराजित करवा के करके आपसे लिखित रूप में लेकर जाऊंगा तो वो मेरा नाम चेंज करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी, तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। और मेरा ये प्रश्न था कि ये लोट मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे ये लोटा कति लबालब भरा जल का, इसमें और जल डाला जाएगा वो बाहर जाएगा, इसमें समाएगा नहीं, यानी मैं इतना ज्ञान युक्त हूँ मेरे साथ चर्चा करना भी तेरा व्यर्थ होगा, तेरी बात का असर मेरा नहीं होगा। परमात्मा बोले मेरा उत्तर सुन ले, मेरा ज्ञान ऐसा ज्ञान है जैसे मैंने ये सुई डाली तेरे लोटे में या सुई तेरे लोटे के तली में जाकर बैठ गई, तेरा पानी बाहर निकल गया, मेरा वो ज्ञान है तेरे हृदय में जाकर बैठ जाएगा, तेरा ये थोथा पानी सारा बाहर निकल जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञान डी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का युग करता चला मैदान। सर्वानंद कहने लगा अच्छा तो करो प्रश्न। परमात्मा ने कहा कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद दे बता। अब क्या बताते हैं, कथनी के सूर्य घृणे ये कहते अटंबर ज्ञान और बाहर जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। अब लीद कर गया वो सर्वानंद, चौड़ा हुआ अंडा था वहां लीद कर गया मैदान में, और गदा ने को बोधे है गड़े घोड़े ने बजा देना उनका कंपटीशन में, और वो बहाना करके लीद करन लाग जाए अगर आगे ना चल उस पर। सर्वानंद यानी ये सारे विद्वान नो लीद कर गए मालिक के, परमात्मा से नहीं टकराव थे, इतने दांडी पा के अंडे थे, जब बराबर में चाल जब स्पीड खींची तो कर गया लीद। ऐनू कर ब्रह्मा विष्णु सर्वेश्वर महेश्वर का कोई पिता नहीं कोई माता नहीं ये सर। फिर परमात्मा ने कहा देवी भागवत निकाल 3रा स्कंद, उसमें पढ़ा उसमें के पाया, मान्या फिर भी नहीं क्योंकि सारे ग्रंथ संस्कृत में थे, संस्कृत पढ़ के और में ला गया बनो ट्या 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 घणी जोर तक बोलता रहा। अब जो वहाँ दर्शक थे वो जुलाहे थे सारे अशिक्षित, सर्वानंद बोला कोरी संस्कृत, संस्कृत बोलता गया और क्यों 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 बता दिया, और जितने श्रोता थे वो भी इस बात से इस ज्ञान से सने पड़े थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, तो सभी ने उस संस्कृत के अधिक बोलने मात्र से सर्वानंद को विजयी कर दिया और ताली बजा दी। परमात्मा बोले भाई ठीक है मैं हार गया तो जीत गया, विद्वान लिखवा लेके लिखवा होगा। अब वो लिखवा के ले गया कि सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए, कबीर साहब की अंगूठा करवा लिया। अपनी माँ को जाके सुनाने लगा कि ले माता जी, उसने जाते हार मान ली मेरे ते। माँ बोली बेटा सुना पढ़ के सुनाने लग गया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया कबीर साहब जीत गया। उसकी माँ बोली रे तू नहीं बता मैं जीत का है तू हार का रहा है, ओहो माता जी गलत लिखा गया, फिर जाता हूँ। फिर गया दोबारा फिर लिख लाया, आके फिर सुनाया, फिर यही लिखा पाया लिखवाया था ये कबीर जी हार गए सर्वानंद जीत गया। माँ के पास आवे तो वो उल्टा लिखा पावे कि कबीर साहब जीत गए और सर्वानंद हार गया, सच्चाई तो यही थी। वो फिर तीसरी बार फिर गया, परमात्मा से कहा जी मेरे से गलती से लिखा गया और मेरी माँ ना मानती, एक बार फिर लिखना पड़ा, लिख ले भाई मैं तो अशिक्षित हूँ। उसने फिर लिख लिया सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए अंगूठा लगा दिया।
अब उसने सोची भाई यहाँ लिखूँ बिल्कुल सही, अनरी माँ के सामने पढ़ दूँ तो ये उल्टे पावे, ये के बिजली पड़े है। तो घर में जब प्रवेश करने लगा तब तक यूं का यूं लिखा हुआ, उन्होंने ऐसे उस अक्षरों के ऊपर उसकी आँख रुक गई। वो देखता देखता अंदर को चलता चलता माँ के पास निकट आया, कहने लगा माँ पढ़ के सुनाऊं, यूं कह रहा इतने में अक्षर चेंज हो गए, ऐसा लिखा वही लिखा गया कबीर साहब विजयी हुए सर्वानंद पराजित हुआ। मुंह खुला का खुला रह गया जब वो अक्षर चेंज हुए उसके सामने, कलेजा हिल गया विद्वान बन रहा था। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना विद्वान, बोल पढ़ के सुना के लिखा है इसमें। तो बैठ गया कलेजा पकड़ के, पर उसकी माँ बोली नालायक भगवान आ रहे पैर पकड़ ले जाके तेरा कल्याण हो बेटा, मैं तो रोया करती अपने गुरुजी का आगे है भगवान, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही हो अक्षर ज्ञान कर पाक के अंधा में अंधा ही यो मुखिया बना फिरा है, अंधे के अंधों में सेठ यो बन रहा है प्रधान, और बयान माटी होगी तेरी। अब संस्कृत में उसने पढ़ा वो सच्चा था, तीसरे सकंद में कबीर माँ विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है ये नाशवान है, लेकिन अभिमान वश नहीं मानने था। तब उसकी माँ के पास ने बोला माँ मन शर्म आवे है, आप ले चलो मैं नाम लूँगा, मेरा पीछा छुटवाओ, मैं तो बहुत मैंने आँखों देख लिया कि ये सचमुच कबीर जी जो बोल रहे हैं सही है। तो सर्वानंद उस एक नंबर के विद्वान ने कबीर जी से उपदेश ले लिया, तो सारे ब्राह्मण सर्वानंद के विरोधी हो गए वह नकली। अब सर्वानंद की बात में कोई नहीं माने, ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, उसका डले माने पत्थर माने, यू तो धानक का चेला हो गया, इसने जात से निकाल दो, काल के दिए पंगे, उन्हें कर दिया काम। और सर्वानंद ने परमात्मा बोले तो अपना काम बना ले अपना, और है विद्वान भक्ति कर और पीछा छुड़वा बेटा, फिर देखेंगे आन देव टाइम इन नकलिया ने भी दे। तो वो समय अब आ गया इन नकलियों को सीधा करने का। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक, ये वो परमात्मा है जो बनारस में भारतवर्ष की पवित्र भूमि काशी शहर के अंदर सन 1398 संविक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को एक लहर तारा नामक तालाब में एक कमल के फूल के ऊपर नवजात शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा विराजमान हुए। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए अपने निज स्थान से, अपने पूर्व वचनों अनुसार एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी परमात्मा को अपने घर ले गए, उनका कोई संतान नहीं थी। उस जुलाहा घर में जुलाहा वर्ण में लीलावत वहाँ कार्य करने से वो परमात्मा जुलाहा कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वो परमात्मा एक विशेष कवि नाम से भी कवि उपमा से भी सुशोभित हुए, और वो परमात्मा स्वयं परमात्मा भी हैं। उस परमेश्वर ने हमें यहाँ आकर के क्या ज्ञान दिया, उनका इस लोक में आने का उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था कि वो हमें अपने निज घर के बारे में जहाँ से हम आए हैं वो जानकारी दें, और उस जानकारी के बिना हम इस काल के अज्ञान के आधार से हम अपना यही जीवन समझ चुके हैं कि जन्म हुआ फिर अपना जैसा प्रयत्नवत बड़े हुए
संस्कार व संतान हुई, शादी हुई, इनको परवरिश, इनकी परवरिश कर दी, फिर ब्याह शादी कर दी, हमारी मृत्यु हो जाए। हमने इतना ही प्रोसीजर इस मनुष्य जीवन का सोच रखा था। अब जो परमात्मा की रोशनी में, तत्व ज्ञान के प्रकाश में हमने देखा कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो हमारी मजबूरी है, हमारे पिछले कोई ऐसे संस्कार उलझे हुए हैं जिससे हमने ये सब क्रियाएं करनी आवश्यक हैं, लेकिन जो कार्य हमने करना चाहिए था मनुष्य जीवन से उसका तो हमें ज्ञान भी नहीं, वो परमात्मा ये ज्ञान देने आए थे। अब कई भक्त कहते हैं, अनजान व्यक्ति कहते हैं, यदि कबीर जी भगवान थे और तो आप लोग इस 21 ब्रह्मांड को काल की जेल बताते हो और यहाँ सब कर्मों के बंधन से ही आकर यहाँ बंधे हुए हैं इस काल की जेल में कर्म बंधन से, तो कबीर परमात्मा यदि भगवान हैं तो उनको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। इससे सिद्ध है कि वो भी कोई कर्म के मार से ही यहाँ आए हैं, वो भी बंधन में बंधे। पुण्यात्माओं, ये अनाड़ी सोच होती है, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित व्यक्ति के अंदर ऐसे शंका रूपी खरपतवार का उपज जाना कोई बड़ी बात नहीं। एक चुटकला है छोटा सा, एक जेल के अंदर एक कैदी, वहां कैदियों की ड्रेस ऐसी होती थी, सिर पर टोपी और पजामा और कुर्ता। तो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसी जेल का निरीक्षण करना था और कैदियों को स्टैंड टू कर दिया कि आज भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और सबको कहा भी अपना ठीक ठाक रहिए, हो सकता है मेर कर दें तो किसी की कैद को भी माफ कर सकते हैं वह। तो सबकी उत्सुकता थी भाई, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आवेंगे, देखांगे उसको। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में प्रवेश हुए, उनके साथ बॉडीगार्ड 5-4 सिपाही सैनिक साथ थे और उनकी ड्रेस भी ऐसी थी जैसी कैदियों की थी, सिर पर टोपी कुर्ता पजामा। एक कैदी बोला, भाई कौन सा है जवाहरलाल नेहरू? ने बोला, वो आन लाग रहा। बोला अच्छा, बोला कदे कदे हम भी जवाहरलाल नेहरू बन काए थे, अड़े आन दे भाई ने, हो जाएगा थोड़े दिन में ठीक ही हो भी। अब उन्होंने सोचा ये भी पकड़ के ले आए हैं पुलिस वाले, इस नाड़े मारे दौरबंद करेंगे। ने बोला कदे कदे हम भी नहीं आए थे जवाहरलाल नेहरू बन के, पराड़ा ही पास बेरा पट्टे के बूंदी बने इंसान के लिया, यू भी सीधा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, उनकी इतनी ही सोच थी कि इस कैद में कैदी ही आते हैं और पुलिस वाले ऐसे ही पकड़ कर लाते हैं या छोड़ जाते हैं। लेकिन वो राजा थे, वो किसी अपराध के कारण उस जेल में नहीं गए थे। ऐसे ही ये परमेश्वर कबीर जी हमें राहत देने के लिए इस काल की जेल में ऐसे ही आते हैं, हमारे जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये होते हैं परमेश्वर। ये हमें क्या बताते हैं आकर के परमात्मा? भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे ओका वर लिया, के जाग्या नर भाग रे,
उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या नर भाग रे, राम बजाना सुकर्म कीन्या ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बिना अनमोला लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कोबद कांचली चढ़री चित पे तू हो रहा मनुष ते नाग रे, कोबद कांचली चढ़री चित पे तू होया मनुष ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई अर सुमरे सो हंस कहावे वो कामी क्रोधी कागरे, अर सुमरे सो हंस कवावे यो कामी क्रोधी कागरे। भौरा ना भर में विष के बन में चल बेगमपुरी बागरे, चल बेगमपुरी बागरे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लागरे, के सोवे गफलत में बंद जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी यो पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी परगटे पूर्ण बागरे, परगटे पूर्ण बागरे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लागरे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं, ये परमात्मा कबीर जी का शब्द है, लेकिन नितानंद जी ने उसी के आधार से इसको आगे अपने हिसाब से बना करके सुनाया गया।
हमने परमात्मा की महिमा को परखना है, समझना है। नित्यानंद जी महाराज ये वैष्णो परंपरा से संबंधित गुमानी दास संत के शिष्य थे। इन महापुरुषों ने अपनी साधना को, जो विष्णु लोक की साधना करते थे, उसी को बेगमपुर मानकर किया। बेगम जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ कोई दुख ना हो। तो इनको इतना ही ज्ञान था। पुण्यात्माओं, हमने केवल इन डिस्कस में उत्प्रद नहीं होना है कि नित्यानंद जी भी ऐसी ही वाणी बोलते थे, क्योंकि कबीर परमेश्वर की वाणी जो है एक दरिया है। उस परमात्मा की वाणी से ही अन्य पंथों ने भी अपनी अपनी दुकानें चला रखी हैं। तो उस दरिया से जल भरकर सब ले आते हैं और आगे अपना उसको भी गंगा जल ही बोलते हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा का होता है। परमेश्वर ने बताया है कि इस तन सरा में, कहते हैं मान ले जाग, एक तो जागना है जैसे किसी ने उठा दिया, उठ ले भाई सवेरा हो गया, ये दिन रात जो बनते हैं, और उठ गया उठते हुक्के का नहीं भाग लिया ठा गया चलम। हमने देखा ही हमारे रिश्तेदार और जैसे घर वाले जो हुक्का पिया करते, सुत्या उठते और ठा के चलम और वहाँ पहुँचते जहाँ पर आग सुरक्षित रख रखी होती है, और पी का हुक्का एक दो कट्ठा ही फिर लगते अपने काम पर, ना किसी तरह राम राम करनी ना नमस्ते। मतलब मार ऐसे ऐसी स्थिति देखी इस दास ने। अब वो देखता हूँ तो हे परमात्मा कित पैदा हो गए थे, हे भगवान। हम एक बार सत्संग करने चले गए पलवल का ना, पलवल में हमारा एक सेवक है जो कमिश्नर से रिटायर हुए हैं, भक्त गुलाब सिंह जी, उन्होंने वहाँ सत्संग करवाया अपने भाई के यहाँ। हम सुबह सैर सपट्टे घूमने के लिए जाते तो रास्ते में जितने भी व्यक्ति मिलते वो नो करते राम 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 राम, यानी कोई भी मिलता घूमने फिरने वाला, बूढ़ा मिला चाहे जवान चाहे बालक, राम राम भाई राम राम जी, रतरा गजब हो। और हम कित थे रोहतक जिले में, राम राम तो दूर, नुकार दे नमस्ते और ठीक सह नमस्ते। नमस्कार होता है न्यू करना, नमन करना, नीचे को गर्दन करना, नो कर दे नमस्ते ठीक है, राम राम तो बहुत बारी कहा करते। तो अब उस अतिथि से निकलकर अब कहाँ हम पहुँचे, तो वहाँ क्या कर, उसके विषय में बताया है परमेश्वर कबीर जी ने कि ऊँट सवेरे वो कवर लिया, फिर के जाग गया नर भाग रहे उठ दे फिर पाप शुरू कर दिए, कोई राम बजाना कोई सुक्रम कीना, ये फूटे तेरे भाग रहे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, इस तन रूपी सराय के अंदर ये जीव मुसाफिर है, ये कुछ दिनों का मेहमान इसमें आकर रुका हुआ है, इसने जितना इसका किराया दे रखा है तब तक ये कमरा इसके पास रहेगा, जब वो किराया पूरा हो जाएगा तो तुरंत उसको छीन लिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा ये प्राणी इस शरीर रूपी सराय से, धर्मशाला से, इस होटल से। इस होटल में किस लिए आए थे, दूर देश में इसलिए जाते हैं कि कुछ पैसे ले जाते हैं, वो धन ले जाते हैं, उससे आगे बिजनेस करके धन वृद्धि करके फिर वापस लौट आते हैं। तो ये श्वास रूपी पूंजी हमें इस शरीर रूपी सराय मिली है, श्वास रूपी पूंजी है, मनुष्य शरीर है। इस श्वास रूपी पूंजी से यानी मनुष्य जीवन से हमने शुभ कर्म करके ये सौदा करना था, बिजनेस करना था और दुगना तिगना चौगुना बनाना था। हम सत भक्ति ना करके अपने उस, जैसे एक रेस्टोरेंट में गया कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपया ले गया बिजनेस करने के लिए और बिजनेस किया नहीं,
व्यापार किया नहीं, उसी में से खा रहा है, उसी में से गुट्टी ला रहा है, उसी में से किराया दे रहा है, और दूसरा वहां गया है उस लाख रुपए में से किराया भी दे रहा है और साथ में बिजनेस भी कर रहा है। उसने तो दुगने तिगने चौगने करके पूंजी लेकर वापस आ गया, और जो बिजनेस नहीं कर रहा है उसने वो पूंजी खत्म कर दी, जो धन लेकर गया था मूलधन, तो वापस वो भी वापस आ गया क्योंकि पैसा रहा नहीं, दूसरा कमाई करके वापस आ गया। तो ऐसे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहां इस तन सराय में जीव मुसाफिर, और तुम अपनी अपनी सोच में अटकड़ अड़ाए बैठे हो, करता रहे दिमाग रे क्या के सोच ठाए रहे, करना था वो काम कर नहीं रहे। एक भक्त ने बताया कि मेरे मामा जी की 3 लड़कियों की शादी थी, 5 लड़कियां थी उसके, और मेरी मामी बात नोत का आवे थी रोहतक के स्टेशन, उस पर बस स्टैंड पर खड़ी थी। अब जिसके 3 लड़कियां का ब्याह हो और दिन थोड़े रह रहे, तो उसके दिमाग की सुई तो मेरे ख्याल में 180 की स्पीड तो चलती है, ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, वो लाना है सोरी का फलाना चीज लाना है, ऐसा करना है और न्यू करना है फलाना करना, तो वह खड़ी खड़ी ऐसे अपना दिमाग घुमा रही थी। दूसरी एक गाड़ी से उतरी, दूसरी गाड़ी में बैठने का इंतजार कर रही थी, और पीछे से एक बस आई, उसने कंडक्टर था को ना ड्राइवर ने अप्रोक्सीमेशन सी वह बैक करन लग गया, वह बस टेडी हो गए और उस बहन की छाती माला गिर, वह खड़ी सामने और बस आन लाग रही, उसने ये नहीं पता है बस तेरी जान ले हुए गिर, वह सोच रही पता नहीं के घूम रही पता नहीं कहाँ, तो पीछे एक पिलर सा होता है, पिलर और बस के बीच में आकर वह पिचक गई, आधे घंटे तड़प कर वही मर गई। अब यहां बताते हैं परमात्मा, और बात तेरे काम न आवे तो संतो शरण लाग रे, और केस हो गफलत में बंदे जाग जाग न जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यु करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा तू चले सवेरा त्याग रे। अब ये जीवन आपका एक रात्रि है, और जिस दिन यह रात्रि पूरी हो जाएगी सवेरा होगा तेरा, तो यहां से तुझे खाली करना पड़ेगा, ये सराय खाली करनी पड़ेगी, और ले जाएंगे यम के दूत पकड़ के। फिर क्या बताते हैं, उमदा चोला बिना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, ये 2 दिन की गुजरान जगत में तुम अड़जले बिरानी आग रे। अपुणात्मा ये बात विचार करण की है, हमारे साथ काल ने इतना जबरदस्त धोखा कर रखा, इतना प्रेशर बना रखा हमारे ऊपर इस जीव पे, इसको अधिक सोचने का समय भी नहीं देता। ये समय आपको यहां आकर प्रभु कृपा से ही मिला है, थोड़ा सा इस पर विचार कर सको, सत्संग सुनने के बाद कुछ उमंग सी उठा है, आत्मा तड़फ जाती है, फिर वो अंगड़ाई लेती है, हौसले में आती है, कुछ उसकी वो भांग का नशा उतरता है। परमात्मा कहते हैं कबीर, ये माया अटपटी या त्रिगुणमयी माया, और सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या तक कुआ भांग पड़ी। तो ये भांग का नशा, यहाँ एंटीबायोटिक औषधि यहाँ खिलाई जाती है परमात्मा के महिमा की, इससे ये भांग उतरे, फिर ये प्राणी परमात्मा की तरफ अपने आप सरकन लग जाता है, जैसे बालक चलता है धीरे धीरे, और ज़्यादा सत्संग सुनने के बाद फिर ये बच्चा मैच्योर हो जाता है, फिर आप पर दौड़ लगाता है। तो प्रथम द्वितीय बार तृतीय बार जो बच्चे आते हैं सत्संग सुनते हैं, वो तो ऐसे आते हैं जैसे कोई ठा ले आता आगे बालक हो आकर छोटे छोटे, कोई ले आ चल चल सत्संग सुना गया, आ जा लाइए उसने बुला कर, फिर आ जा गाड़ी जा बैठ ले, कुछ दिन तक नहीं लाओगे, फिर वो इस ज्ञान को समझ कर फिर किसी गाड़ी की या किसी के नोते की बाट ना देखे आप भाग लेगा सत्संग सुनने के लिए।
तो क्या बताते हैं, उमदा चोला बने अनमोला, लगे दाग पै दाग रे, या दो दिन की गुजरान जगत में जड़े बिरानी आगरे। कुबद कांचली चढ़री चित पे तू हो रहा मनुष्य नागरे, और सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। हर सुमरे सो हंस कहावे, और ये कामी क्रोधी कागरे, भौरा ना भर में इस व्यस के बन में चल बेगम पुरबागरे। अब हर सुमरे सो हंस कहावे, पहले कोई चोरी करता था चोर कहलाता था, अब चोरी छोड़कर भक्ति करने लग गया तो आज भगत जी कहते हैं उसको, कोई डाके मारता था डाकू कहलाता था, और साधना वो बुराई त्याग दी भक्ति कर रहा है तो आज भगत जी कहलाता है। तो हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कामी क्रोधी कागरे, और भौरा ना भर में विष के बन में चल बेगम पुरवागरे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, और पाया अटल सुहागरे। शब्द सैन, सैन माने संकेत, जैसे किसी विशेष आपत्ति में आप हैं और वहाँ आपका साथी आ जाता है, उसको इशारा करते हैं कि आंखों से इशारा करते हैं वैसे दरासा, इसको सैन बोलते हैं, इसको संकेत बोलते हैं। यानी ज्यादा कहने की बजाय संकेत ही समझो। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पुण्यात्मा है, पिछले जन्म के संस्कारी हंस हैं, वो तो ये विचार सुनते ही तुरंत फड़क कर जाग जाते हैं, जैसे कोई गहरी नींद से जाग गया उठ कर और एकदम सपना सा टूटे। और जो पिछले संस्कार जिसके अच्छे हैं नहीं, उस व्यक्ति के सत्संग के वचनों का असर देर से होता है, बहुत देर से होता है। दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो उन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त होता है जो पिछले जन्म में भी मानव थे और कोई भक्ति कोई साधना उसने किसी संत परम किसी संत के साथ लग के कोई सत साधना की है, उसके अनुसार उसके प्रतिफल में उसको लगातार मानव शरीर मिलते हुए आ रहे हैं। यानी पिछले पुण्यों के आधार से मानव शरीर कंटिन्यू जिनको मिलते आ रहे हैं, कंटिन्यूस लगातार, तो उनके जल्दी असर होता है, वो सैन समझ जाते हैं, संकेत समझ जाते हैं। एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, एक के चोट सिधारिया, एक के चोट से वो सीधे हो जाते हैं, समझ जाते हैं जिनको परमात्मा से मिलने की इच्छा है, चाह है, उमंग है। दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो वो पुण्यात्मा जो पिछले संस्कार पुण्य संस्कारों से लगातार मनुष्य जीवन प्राप्त करते ही आ रहे हैं, और दूसरा ऐसा होता है विधान है प्रभु का, कबीर परमात्मा ने विधान बना के इस काल को दे दिया कि 84 लाख योनियों के शरीरों में कष्ट भोगने के उपरांत एक टर्न वाइज मानव शरीर अवश्य जीव को दे दिया जाएगा। और दूसरा इस काल की एक व्यवस्था भी है, मजबूरी होगी कि परमात्मा ने इसको इसके अपराध का दंड दिया कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी तो नित आहार करेगा और 125,000 उत्पन्न करेगा। आए आए। अब कुछ बोली आत्मा ये कहती हैं कि कबीर भगवान तो परम पिता हैं, दयालु हैं, उन्होंने इसको श्राप क्यों दे दिया? ये श्राप समझो चाहे हमारे लिए एक उपहार समझो, यदि परमात्मा इसको ये श्राप ना देता तो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाओगा तो ये मनुष्य जीवन कभी नहीं देता अपने को। इसको पता है कि मनुष्य जीवन में ये परमात्मा को पहचान लेगा, और उसके बाद भी कितना खाड़ा कर रखा हमारे जी ने इसने,
नरे नकली संत भेज कर झूठी कहानी कथा हमारे हृदय में पेश करवा दी, परमात्मा से कोसों दूर करवा दिया। इब के घाट गाल रखी है, अभी कोई कसर नहीं छोड़ रखी इसने हमें मूर्ख बनाने में। वो तो परमात्मा आते हैं अपने प्यारी आत्माओं को, क्योंकि हमारे पिता वही हैं, और अपने को कहते नहीं होता दुनिया मरे बतेरी पर अपने का दुख हो से, दुनिया बेसक मरो पर अपना मरा जब उसका दर्द होया करे। तो हम हमारे पिता कबीर जी हैं, और उस कबीर जी को हमारा दुख है, इनका कोई दुख ना है, ना इस काल का सुवांदे, ना ब्रह्मा विष्णु महेश का आंसू आते हमारे ब्रहण माटियों से, हमारे कबीर भगवान का आंसू आते हैं, क्योंकि हम उसकी आत्मा हैं। अब जैसे कोई किसी की बेटी दुखी हुआ है, पता लगे माता पिता ने, उनसे जुड़ी हुई अंश है वो, या बेटा कहीं कष्ट में है, तो माँ बाप ने नींद नहीं आवे, सारी रात उनका बेचैनी लगी रहती है, वो रोते रहते हैं। तो ऐसे ही हम परमात्मा कबीर जी की संतान हैं, चाहे आज गधा बना रखा है इस काल ने हमें, चाहे गधी बना रखा है, चाहे कुत्ता, चाहे सुअर, और चाहे राजा बना रखा, चाहे महादेव बना रखा, चाहे माँ ब्रह्मा विष्णु महेश बना रखा है, हम उस क्रम कबीर परमात्मा की आत्मा है। एक समय कागभूषण और गरुड़ जी का आपस में संवाद हुआ। गरुड़ जी ने पूछा कागभूषण जी से कि हे देवता, आपके पास मैं आता हूं, मुझे परम शांति सी मिलती है, और आपके चेहरे की रौनक, आपके शरीर का जो तेज है इतना अच्छा है, मैं देखता ही रह जाता हूँ, यू कैसे दाव लग गया तेरा? मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके ऊपर कैसे कृपा हुई परमात्मा की, जो आपको ऐसी साधना भक्ति मिली जिससे आप कितने जो है ना देव पद को प्राप्त किए हुए हो, कितने अच्छे लग रहे हो। अब गरुड़ जी बता रहे हैं, गरुड़ जी को कागभूषण जी बता रहे हैं, क्या बताते हैं कि एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था, मेरे माता पिता थे, भाई बहन थे, अचानक एक दुर्भिक्ष गिरा, अकाल गिर गया, वर्षा नहीं हुई, और इतना भयंकर अकाल गिर गया कि इंसान को इंसान खाने लग गया, पत्ते पत्ते तोड़ कर खा लिए, घास फूस भी नहीं बचा, मेरे माता पिता भी तड़फते हुए भूख के मारे शरीर छोड़ गए। मैं 20 वर्ष की आयु थी मेरी, मैं जवान था, भूख प्यास को सहन कर गया, मेरे माता पिता वृद्ध थे, वीक थे, कमज़ोर थे, भाई बहन छोटे थे, वो भी मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गए भूख के कारण। तो एकदम मैं वहाँ से चल के अवंतिका नगरी में पहुँच गया, वहाँ अकाल नहीं था, वहाँ अन्न पेट भर खाया, और मन में ऐसी घृणा होगी संसार ते कि कल मेरे माता पिता का बड़ा पूरा परिवार था, आज ये कैसे विनाश हो गया, के जीवन है इस संसार का। तो कागभूषण जी बता रहे हैं कि पहले मेरे असंख्यों मनुष्य जन्म हो लिए थे, मैंने कभी भक्ति नहीं की थी, और इस कारण से मैंने रोटी के आहार के लिए अपने गुजारे के लिए एक आवाज सुनाई दी एक मंदिर में, एक पंडित जी कथा कर रहा था शिव जी के मंदिर में, मैं वहां चला गया, सभी श्रोता उठकर चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण बड़ा दयालु था, उसने कहा बेटा कौन है आपका, आप कहां से आए हो, क्या आपका यहां घर नहीं है? फिर कागभूषण कहता है गरुड़ जी मैंने सब कहानी उस ब्राह्मण के सामने अपनी आत्मकथा बताई, वो ब्राह्मण भी रोने लग गया, आंखों में आंसू आ गए, कहा बेटा इस संसार में ऐसा ही है, ये दुख सुख लगे हुए हैं, आप चिंता मत करो, आप मेरे पास रहो, इस मंदिर में रहो, यहाँ भक्ति करो बेटा, नाम ले ले बेटा, भगवान की भक्ति बिना गुजारा नहीं है। कहता है कि 6 महीने तक
वो महापुरुष अपने मुझे अपने वहाँ रखे और सारा मेरा गुजारा दे रहा, पैसे रोटी टूका सारा मुझे करवा रहा और न्यो का बेटा नाम ले ले, भक्ति कर ले, पर मेरा जू नहीं रह गए, मेरी इच्छा ही ना बढ़े। तुलसी पिछले पाप ते हरी चर्चा ना भावे, और जैसे जोर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को जबर आ जाता है, मलेरिया हो गया, और उसको फिर ना तो रोटी स्वादिष्ट लगती है, ना सेब संतरे ना काजू किशमिश, उसको वो कड़वी लगती है, कति कड़वी कुनीन की तरह, नीम की तरह। अब न तो रोटी कड़वी, ना वो मनुखा दाख कड़वी, अब उस बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था ऐसी बदल दी कि वो स्वादिष्ट वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है, अस्वादिष्ट लग रही है। अब उसका इलाज क्या है कि वो मीठी लगे, अब उसके लिए कड़वी ही दवाई यानी कुनीन खिलानी पड़ेगी, चाहे वो राजी रहे रुचि कर खावे चाहे अरुचि से खावे, तो वो जबरदस्ती वो कुनीन की फांकी मरवानी पड़े, और फिर धीरे धीरे बुखार उतर जाता है। फिर वही जो कड़वी लगती थी वो रोटियां वो स्वादिष्ट लगने लग जाती हैं, और एक स्थिति ऐसे आ जाती है कि लुखी सूखी रोटी भी, इतना स्वस्थ हो जाता है वो, लुखी सूखी रोटी भी बिना सब्जी के खा जाता, जोर की भूख लग रही हो यानी सुबह से ना खाई होता है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे जिसके जितने पाप अधिक हैं उस प्राणी को ये राम नाम की मनुखा दाख, ये अमृत आहार अस्वादिष्ट लगता है, उसने तो रग नहीं चाहिए कंपटीशन वाली, क्या फिल्मी गाने सुनने चाहिए जो मैं तनक 36 बाजे। अब उसने वो तो अच्छी लगे, लेकिन राम नाम की यह कथा कुनीन से भी कड़वी लगती है। उसका इलाज क्या है कि उसको भी अच्छी लगे, ये स्वादिष्ट वस्तु स्वादिष्ट लगे, उसकी उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि उसने सत्संग सुनने चाहिए, चाहे उसको कड़वे लगे चाहे अच्छे लगे। जैसे कुनीन खानी होती है ना, वो फांके मारने पड़ते हैं चाहे बेशक कड़वी लगे, तो उसी से वो फिर स्वस्थ होगा। तो परमात्मा की कथा दोनों काम करती है, एंटीबायोटिक की भी और आहार का भी। तो कागभूषण कहता है कि 6 महीने मैंने उसकी पंडित जी की संगत करी, पर मन में नहीं आया नाम ले लूं, ना मैं नट्या और जाऊं कहाँ, टूक मिले नहीं किता है, थोड़ी बहुत सफाई करूं मंदिर की और अपना वह अब कथा करते रहे, मैं बैठा रहूं वो कथा कर जा, श्रोता सुन के चले जा, मैं प्रसाद बांट दूं। लेकिन परमात्मा ने बताया है कि ऐसे ही धीरे धीरे वो कुनीन ट्रीटमेंट लंबा चल गया उसका, 6 महीने के बाद उसके मन माइक नाम ले लूं, थोड़ा सा नरम हुआ, आंखों में पानी आया। नीतन्यू कहता मेरे सारे भाई बहन भी मर गए, मेरी आँखें मासू नहीं आई, यानी दिल इतना कट्टर हो गया, अंदर इतना रोष पैदा हो गया भगवान के प्रति, क्या गा भगवान है यू जब सारा कुनबा मार दिया, यानी इस तरह की भावना मेरे अंदर आई। और फिर वो 6 महीने प्रेरणा चेतावनी सुनकर फिर नाम ले लिया। अब देख काल का जाल, पहले तो पुरानी नाम लेकर राजी नहीं, और कोई संत मिल जावे डंका, फिर इसमें कुछ दिनों के बाद फिर अभिमान का एक और अंकुर फूटा हुआ है। अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद उस कागभूषण बता रहा है कि मैंने वो कथा जो गुरुजी सुनाया करते वह सारी याद कर ली। गुरुजी बूढ़े हो गए, उनके आवाज़ में भी कसक ना रही, और मैं युवा था, 21 साल का हो गया, और मैंने वो कथा सुनानी शुरू कर दी इन अब्सेंस ऑफ गुरुजी। गुरुजी अपने घर चले जाते, पाछे तो श्रोता आ जाते बैठ जाते, तो मैं कथा करन लग जाता। अब श्रोताओं को मेरी सुरीली आवाज़ और ज़्यादा पसंद आने लगी, मुझे कहने लगे कि तू आप तो गुरुजी से भी अच्छी कथा सुनाते हो, ओहो आप तो महाराज जी गुरुजी से भी बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है,
तो वो इंजेक्शन मेरा लागे, पंप मार दिए, मैं फूल गया। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।